यू हैव टू बार्गेन अ लॉट, वो एक्चुअली स्कैमर्स। तो हमारी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है, अब इतने क्यूट क्यूट स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ना कि आपका दिल आ जाएगा। सो आज हमारा 2:40 रात में फ्लाइट है, 2:40 मतलब मंडे संडे नाइट, मतलब मंडे ही हो गया। सो सुबह सुबह हम 9 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे जहां हमारा होम टाउन है। बट मैं जब भी होटल बुक करता हूं मैं देखता हूं कि होटल थोड़ा क्लासी हो, मतलब एटलीस्ट लो क्वालिटी होटल नहीं हो जहां प्रॉब्लम हो ऐसा हो। बट इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं, होटल $10 में मिलता है, $20 में मिलता है, $35 में मिलता है, लेकिन आई विल गो लस्ट लाइक कोई अच्छा होटल मिले, लाइक $30 बिगर। फिर आप अकेले नहीं हो, अकेले हो तो हॉस्टल में रहोगे आप, वी हैव फैमिली, पूरा फैमिली के साथ आप घूम रहे हो तो होटल अच्छा चाहिए होता है। तो मैंने ये होटल बुक किया $55 में, देखा अच्छा होटल होगा, फोटो इतनी अच्छी डाली हुई थी कहने का नहीं, बट एक्सट्रीमली बैड। तो ये जो था हमारा होटल था जो आज हम अभी जस्ट चेकआउट कर रहे हैं, और ये देखो अब जाने का रास्ता देखो, और ये देखो अब हर बार हम टीवी से ऐसे टकराए हैं एक्चुअली में, और बिल्कुल स्पेस नहीं है दोनों में, ना उधर साइड स्पेस है, एंड वॉल तो इतना गंदा दिख रहा है मैं क्या ही बताऊँ। बाथरूम का भी जो ऊपर आप देख रहे हो वो बिल्कुल ऊपर से इस साइड से पूरा लॉक्ड नहीं है, एंड इट्स नॉट क्लीन्ड एट ऑल, एंड बेहद ही घटिया कह सकते हो आप। और ये भी आप व्यू देखो, और इधर भी बिल्कुल स्पेस नहीं है, मैं अभी भी गिरते गिरते बची हूँ। तो यही था पूरा हमारा होटल का, जो कि बेहद बकवास था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और हमने होटल का भी जो प्राइस so, है, ये जो होटल है आई विल सजेस्ट बिल्कुल मत आना, बिल्कुल नहीं, इतनी गंदी होटल, और इसका पैसा लिया $50, यू नो $55 विच इज 4,500 समथिंग होता है कुछ, जो लाइक बिल्कुल नहीं। ऐसा होटल मैंने एयरपोर्ट पर बहुत देखा, 3500 का नहीं 2000 का, मतलब $35 का ऐसा होटल मैंने देखा, $25 का, इज वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड बैड होटल्स। मैं आपको होटल का नाम दे देता हूँ, गैलेक्सी बुटीक होटल है, डोंट कम टू दिस होटल, इज वेरी बैड होटल। कुछ भी सही नहीं था। तो अभी हम जहाँ हमारा होटल था, जो पहला कल हमने होटल लिया, तो वहाँ से तो ये बेंथान मार्केट जो भी नाम है इसका, बिल्कुल 2 मिनट वॉक पे था, मतलब होटल से बाहर निकलती बेंथान मार्केट था। पर कल हमने होटल चेंज कर दिया, तो लास्ट वाला होटल भी हमें प्रॉब्लम किया, होटल तो अच्छा था नो डाउट, रूम बड़ा था, बट उसका ए सी ड्रिप कर रहा था, पानी ड्रिप कर रहा था इसी से, और बाथरूम से भी पानी लीक कर रहा था, इसलिए हमने होटल चेंज किया। हसीखा ने कल बुक किया नया होटल, हमने यहाँ आए तो यहाँ से जो बेंथन मार्केट है 15 मिनट वॉक पे है, तो हम भी वॉक करते, सुबह सुबह समय है यार, बाई वॉक करते चले जा रहे हैं बेंथन मार्केट, वहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे, बिल्कुल देखते हैं क्या मार्केट है। मैंने देखा कुछ वीडियो फोटो, मैं पहले तो कभी गया नहीं हूँ, तो मैंने देखा कि यही फूड वगैरह और शॉपिंग के लिए है, तो लेट्स गो देयर, अभी हम 5 मिनट पहुँचने ही वाले हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ के बहुत ही फेमस मार्केट, विच बेंथा मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये, कपड़े की, ज्वेलरीज की, या फिर गिफ्ट्स की बहुत बड़ी शॉप है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि कितने समय पूरा एक्सप्लोर हो पाता है ये। यहाँ बहुत ही बिगर मार्केट लगी हुई है, नो What is that? From? I know. Yeah. Buffalo horn. Buffalo horn. Yeah. Can you come back to me a second? I'm using the $1. Is that the one? No. Come back. Come in. Remember. Okay. Yeah. That sounds good. Yep. Can you see my stuff? I hope. Okay. Okay. I hope. 1 minute. $350 सो ये पूरा मार्केट है सुवेनियर शॉप से भरा हुआ है, इधर पूरा खाने पीने का। सीखा कुछ बोलना है?
तो हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। अब इतने क्यूट क्यूट स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ना कि आपका दिल आ जाएगा और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो हमने दो मैग्नेट लिया है एंड और क्या लिया है हमें, एक ड्रैगन लिया है। तो ड्रैगन पर हमें 1 लाख का एंड 2 मैग्नेट्स दिया है मैंने 30,000 30,000। हमें मैग्नेट का प्राइस 650 बोला था उन्होंने और मैंने दानांग में लिया हुआ था तो मैंने बोला मैंने 30,000 में लिया हुआ है तो जाकर 30,000 में वो फटाक से मांगे। तो सोचो 650,000 का मैंने सिर्फ 30,000 में लिया है। तो समझ जाओ कि प्राइस किस तरह से वो बोल रहे हैं। आप कितना कम कराओगे भैया? उसका लोना तो यहाँ पर अगर आ रहे हो वियतनाम में तो आप कहीं भी, इट्स नॉट अबाउट हो ची मिन्ह सिटी, इट्स अबाउट दानांग, इट्स अबाउट हयानी, कहीं भी आप जाओ पूरे वियतनाम में तो नारियल पानी का बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी है। एंड प्राइस आपको मैं बता दूँ, कहीं 10,000 है तो कहीं 20,000 है तो कहीं 30,000 है। जैसे यहाँ पे 20,000 है, दानांग में हमने 40,000 में लिया था, उससे पहले हनोई में थे तो 20,000 का था। तो प्राइस वैरी कर रहा है और ये सब चीज़ों में तो आप प्राइस कम करवा भी नहीं सकते हो, बट बहुत ही मीठा बहुत ही टेस्टी मस्त चाय मतलब बहुत। और ये जो पूरा मार्केट है आपको सिर्फ ना कि सोवीनियंस के लिए है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, खाने पीने का, ड्राई फ्रूट, सब कुछ है ऑलमोस्ट। मतलब आप जो भी कुछ पैकेजिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो, जैसे आज हमारा एयरपोर्ट का है तो हम कुछ चीज़ें ले रहे हैं, कुछ मॉम डैड लेकर गए हैं, तो हम मैसेज फोन करने के लिए लेकर जा रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर भी एज अ लगेज प्राइस वेट ना आए। अब वो तो पता चलेगा एयरपोर्ट पर कि इसका भी वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स अभी अभी हमारा जाने का समय हो गया। यहाँ से सीखा चॉकलेट खरीद रही है यहाँ से, तो यह पूरा चॉकलेट आप मिक्स करवा सकते हो, 100 ग्राम का 35 मांग रही है, 35 है यहाँ पे कॉस्ट है। सो सीखा हाउ मच यू टेकिंग? एक ये पैकेट मगर वो सिर्फ 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम आपको 35,000 में। ओह माय गॉड। सो हमने ये मार्केट हमारा पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग है, यू हैव टू बार्गेन लॉट। वो एक्चुअली स्कैमर दे लॉट ऑफ स्कैम हुआ, ऐसे सब प्राइस बोलेंगे आपको। जैसे मैगनेट का प्राइस मुझे बोलता 250,000, जो कि हमने 35 में पहले ले चुका था, हमने उसको 30 करवाया, 250 को 30 करवाया, इसलिए काफ़ी बार्गेनिंग यहाँ पे। यू शुड हैव टू बार्गेन ओवर हियर। तो हम अभी पहुँच गए हैं मैजिकल कैफ़े, जो कि यहाँ हमने जहाँ पे अभी लंच किया था अराउंड 20 मिनट्स बाई ड्राइव, 20 to 30 minutes एंड दिस इज़ द मेन एंट्री गेट एंड ये भी बहुत ही खूबसूरत है। सो लेट्स गो इनसाइड। और ये हमारा सेकेंड कैफ़े है जो कि हम ये कवर करने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू मोर देन, मतलब आपको ना हर थोड़े देर में कैफ़े दिखेगी अगर आप फोकस करो तो। यहाँ पे वियतनाम इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी ब्रिवरी कैफ़े, सो आप अगर चेक करोगे तो आपको बहुत सारे कैफ़े मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द सेकेंड वेरी फेमस कैफ़े, जो लास्ट गए थे वो तो सबसे खूबसूरत था, उससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता कोई भी कैफ़े। और ये इसका कैफ़े का नाम है मैजिकल फैंटेसी कैफ़े। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट कि ये कैफ़े कैसा है। जब भी किसी कैफ़े में आते हो तो आपको ये फ्री वाली, यहाँ की वियतनामीज जो फ्री वाली कॉफ़ी होती है वो ज़रूर देते हैं। कैफ़े का नाम बहुत बड़ा है, जो भी नाम है वियतनामी में है, मैं आप डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ वीडियो में डाल दूँगा कैफ़े का नाम। और ये भी कैफ़े बहुत ही अमेजिंग कैफ़े है, नीचे पूरा वाटरफॉल है और बहुत अमेजिंग, ये पूरा जो नीचे देख रहे हैं चलने के लिए बनाया गया है कैफ़े के बीच में, लुक्स वेरी अमेजिंग।
हम अभी पहुंच गए हैं साइगन रिवर के पास। तो ये साइगन रिवर के पूरे आउट साइड साइड में आप देख सकते हो स्काईलाइन बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो ये जो है हमने रात को बोट टूर लिया था जो कि पूरा ऑल अराउंड स्काईलाइन का व्यू दिखाया था। बट अगर आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा खुद से वॉक करना चाहते हो, इस तरह से पूरा ऑल देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं पीछे, थोड़ा वॉक करना चाहते हो, साथ ही थोड़ा स्काईलाइन के साथ फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। बिल्कुल इसी बिल्डिंग के पास है जहाँ पे हम लोगों ने ये इसके ऊपर जो हम लोग गए थे, ये जो आप देख सकते हो ये वाली, तो ऐसे ही आपको साइगन रिवर का पूरा चक्कर लगा सकते हो, थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग भी हैं जो ऑलरेडी वॉक वगैरह कर रहे हैं। एंड धूप अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब काइंड ऑफ ना थोड़ी ऐसा धूप पूरा नहीं है बट ऐसा गर्मी जैसी वेदर है और हो सकता है बारिश कभी भी हो जाए। जाने के पहले यहाँ के फेमस चिप्स भी मैं ट्राई कर लिया। फो तो वियतनाम आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फो एक बार ट्राई करो। बट फो में भी डिफरेंट डिफरेंट आता है, लाइक बीफ, चिकन, पोर्क, एवरीथिंग। बट आपको चिकन वाली ट्राई करना, वेज ऑप्शन नहीं होता है, वेज ऑप्शन मैंने पूछा था। एंड वनली चिकन ऑप्शन यू कैन ट्राई बिकॉज आई लाइक इट, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू। मुझे पसंद आया इसलिए पहले तो मैं एक ही बॉल मंगवाई थी, फिर एक दिन और ट्राई किया था, फिर सोचा नहीं यार, बट अभी सोचा नहीं यार अच्छा लग रहा है, सो लेट्स गो विद इट। और मेरा सूप पीने का स्टाइल थोड़ा अलग है। और ये जब आपको आ रहे हो वॉकिंग के लिए जो साइगन रिवर है, ऑल अराउंड में वॉक कर रहे हो, उसके जस्ट अनदर साइड में तो वॉक कर रहे हो, जस्ट नियर बाई करना फूड मार्केट नियर मी, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट वाले, ऐसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट शॉप्स हैं यहाँ पे, तो स्ट्रीट के साइड साइड बहुत सारे लोग, और स्ट्रीट के बाहर भी सिटी एरिया है और इन साइड भी है, तो हम लोग इन साइड बैठे, बाहर वैसे ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। सो वी आर इन्जॉइंग आवर फोर टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। और थोड़ा लग भी रहा है कि यार ऐसे 10-12 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। एंड हमारा फ्लाइट 2:40 में है, मतलब 2 बजे के बाद का फ्लाइट है। सो यहाँ से हम डायरेक्ट एक पोपट से के लिए जाएंगे, सो के लिए जाएंगे, क्योंकि वो हेयर में भी होती है, बट हमने कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बंद था बिकॉज ऑफ डैट सेक्रेटरी डेथ है, आई टोल्ड यू। तो इसलिए यहाँ पे हम सोने सोचा कर लेते हैं। तो पपेट शो बहुत ही अमेजिंग होता है। सो हमारा बुकिंग हुआ है, पहले से बुकिंग हमने कर लिया है, आप भी कर सकते हो ग्रैब ऐप से, ग्रैब ऐप राइट, या तो ग्रैब ऐप से बुकिंग कर सकते हो। क्रुक इज़ द ऐप जहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज़, अट्रैक्शन सब कुछ देख सकते हो, हमने ऑलमोस्ट वहीं से सब कुछ देखा है, किया है। क्रुक इज़ द बेस्ट ऐप आई सजेस्ट टू, और वहीं से हमने बुकिंग कर लिया था। और अभी हम लोग जाएंगे पपट शो के लिए, फिर मैं पपट शो के बारे में सब कुछ आपको डिटेल बताऊँ। तो हम अभी पहुँच गए हैं पपट शो के लिए, जो कि ये मेन एंट्री गेट है पपट शो के लिए, और बहुत ही अमेजिंग पपट शो होता है इस टाइप का, और मैंने तो ऑनलाइन वीडियोस पिक्चर्स देखा है। लेट्स सी एंड लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कैसा होता है। सो ये जो पपेट शो है ये अराउंड 30 मिनट्स का है, और काफ़ी thank you.
chém vật này để trừ hết lũ quái yêu trêu. पपेट शो हो गया हमारा, अभी जस्ट ओवर हुआ और बहुत ज़्यादा थिएटर में भीड़ है, आप देखो सब लोग निकल रहे हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हाँ बस थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था और तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बट थोड़ा इंग्लिश में सबटाइटल या तो फिर ईयरफोन वगैरह कुछ मिल जाता तो हमें भी समझ में आता, बस हाँ हो हाँ इतने ही समझ में आया, बट ठीक है यार मज़ा आया, कुछ अलग था, कुछ यूनिक था और काफ़ी डिफरेंट था। द एंड वाज अमेजिंग बिकॉज ऑफ दैट फायर एंड हाँ ड्रैगन था तो थोड़ा वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था और थोड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक 30-35 मिनट्स का शो था, इससे ज़्यादा शो नहीं है। हाँ बट आपको 20 मिनट्स के बाद लगेगा कि रिपीटिंग है, बट एंड अच्छा है सो डोंट मिस इट। और आप आ रहे हो वियतनाम तो ये एक यहाँ का लोकल एंड फेमस अट्रैक्शन है तो आप कवर ज़रूर करना। And okay, so now we are going to Indian restaurant. I know you are listening so many times about the Indian restaurant, but we are with our parents, तो हम Indian restaurant ही mostly choose कर रहे हैं और हमें यहाँ थोड़ा food का problem भी है। Me and Amit can manage like one or two times, not full day or not whole day, every day, but still Indian food अच्छा ही लगता है, मिल जाता है। तो नाउ वी ऑलरेडी बुकड आवर कैब विद द ग्रैब ऐप एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड इसके बाद हम डायरेक्ट इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे जो हमने शॉर्ट किया हुआ है। 10 बजे के बाद होता वो अंदर है इधर थोड़ी कुछ नहीं, वहाँ के बाद वो सीधा जाएंगे ना उसके बाद। हाँ।